We will discuss the topic of Michelson interferometer. So last time we had discussed about Newton rings in case of reflected and transmitted light. So today we will discuss about Michelson interferometer in details. So Michelson interferometer mein this following headings are very important: principle of Michelson interferometer, its construction, adjustment से मतलब यहाँ पे इसकी optical adjustment से है कि interference fringes देखने के लिए हम इसको कैसे optically adjust करेंगे, types of fringes हमें किस तरह की दिखाई देंगी, वो हमारी circular fringe होंगी या straight line fringe होगी या localized fringe होंगी, तो उसके बारे में हम देखेंगे. Then applications of Michelson interferometer. तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के पहले प्रिंसिपल पे अगर हम आते हैं, तो प्रिंसिपल क्या होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का? तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है? ये वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इन विच द लाइट इज डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड. स्टार्टिंग में जब हम इंटरफेरेंस हम कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि इंटरफेरेंस के दो टाइप्स हम लेते हैं, बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट एंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. So here light is divided in the form of amplitude. तो कैसे divide होती है? In which light is divided by reflection and transmission. तो दो part में amplitude को divide करते हैं. इस part को तो हम reflection part बोलते हैं, इस part को हम transmission part बोलते हैं. And after this transmission and reflected part will strike on two mirror, then revert back and combined at some particular point and gives us interference fringes which were observed on this telescope here. तो इस telescope के ऊपर हमें interference fringes मिलती हैं. So this is about principle of Michelson interferometer. तो simple सा principle है कि light को दो part में divide किया है, reflection से और transmission से, और उनको reunite करके हमें interference fringes देखनी हैं. This is the basic principle of Michelson interferometer. ठीक है? आगे अब इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आते हैं. तो कंस्ट्रक्शन पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्टिकल कंपोनेंट हमने लगाए हुए हैं और ये कैसे काम करते हैं. जब हम कंस्ट्रक्शन पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सोर्स ऑफ लाइट. तो मोस्टली माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंटल सेटिंग के लिए जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वी यूज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. तो हम लाइट का मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं. मोनोक्रोमेटिक सोर्स आप पहले ही पता है, विच हैव सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, आर नोन एज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स. तो मोस्टली टाइम हम इसमें लैब के अंदर सोडियम लैंप यूज करते हैं, सोडियम लाइट यूज करते हैं. ठीक है, सोर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसमें हम सोर्स को एक्सटेंडेड फॉर्म में लेते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स. वी यूज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट से मतलब क्या है? अगर इस ज्योमेट्री को देखें, इससे आगे नेक्स्ट क्या रखा हुआ हमने? कन्वेक्स लेंस. तो जो सोर्स ऑफ लाइट है सोर्स से सीधा कहां पे पड़ रही है? कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ रही है. तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? फोकस करता है, या फोकल से इसकी लाइट आई है तो रेस को पैरेलल बनाता है. सिंपली आप सबने ऐसा देखा होगा, जब कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं, इफ द लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और पैरेलल रेस आर कमिंग, देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस? It make all these parallel rays to focal at some particular point. जितनी इसकी focal length होगी तो उस focal point के ऊपर इनको meet करवा देगा. तो यहाँ पे इसको उल्टा किया है, यानी we put source of light on the focal point of the convex lens so that it will becomes extended source of light. इसी तरह से हम इसको extended source of light कहते हैं, यानी इसमें अगर हम बात करें तो source of light हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो lens से जब light pass करेगी तो ये क्या होगी? पैरेलल रेज आएगी. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट. तो सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद कन्वेक्स लेंस है. तो कन्वेक्स लेंस से ये क्या है? हमारी पैरेलल रेज निकलती है. ये जो तीन रे ली है, आनी यहाँ पे भी तीन चाहिए थी, लेकिन समझाने के लिए मैं सिर्फ एक रे को लेके चलाऊं ताकि और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना बने, अदरवाइज ये पैरेलल रेज आती है. सो दीज पैरेलल रेज विल फॉल ऑन दिस ग्लास प्लेट. तो नेक्स्ट इसका ऑप्टिकल कंपोनेंट क्या है? ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट था. अगर इसको एनलिस्ट करते जाएं कंस्ट्रक्शन पार्ट को, सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? सोर्स ऑफ लाइट है. दूसरा पार्ट कौन सा आया? कन्वेक्स लेंस आया. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में नेक्स्ट क्या आएगा? ग्लास प्लेट.
glass plate which is inclined at an angle of 45 degree. तो ये ग्लास प्लेट 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है. अनदर थिंग, इस ग्लास प्लेट के बारे में एक चीज और खास है, वो क्या है, इसको सेमी सिल्वर्ड लेते हैं. दिस ग्लास प्लेट इज सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट. तो ग्लास प्लेट के अंदर जब लाइट पड़ती है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन पार्ट ऑफ द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड दिस साइड एंड वन पार्ट ऑफ द लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड दिस साइड. ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसमिटेड जाएगी और ये ऊपर हमारी रिफ्लेक्टेड जाएगी. सो दिस इज सिंपली ग्लास प्लेट. ठीक है, उसके बाद और क्या लगा हुआ है, दो मिरर लगे हुए हैं इसके अंदर. कौन से मिरर, M1 एंड M2. इसको हमने मिरर M1 बोला है, इसको हमने मिरर M2 बोला है. दीज टू मिरर आर सिल्वर्ड ऑन द बैक सरफेस. दीज टू मिरर आर, ध्यान दें इस पे, सिल्वर ऑन दिस बैक सरफेस है. ठीक है, तो सिंपली जो प्लेन मिरर है वही हमने इसको लगाया हुआ यहाँ पे. दूसरा और क्या है, दिस M1 एंड M2 फॉर बेटर सर्कुलर फ्रिंजेस आर टेकन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसा कि मैं यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसकी प्लेन इस तरह से है और इसकी प्लेन इस तरह से है, या दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. इट मीन्स दिस टू मिरर M1 एंड M2 आर कैप्ट पैरेलल टू each other. After this, तो light यहाँ पे strike करके वापिस आएगी, फिर यहाँ पे strike करके वापिस आएगी, glass plate के through pass करेगी, और interference fringes को हम कहाँ पे observe करेंगे, telescope के अंदर. So we will observe the interference fringes on the telescope. ठीक है, सुनिए. After this, इसमें एक optical component missing है, जिसको मैं compensating glass plate बोलूँगा. Compensating glass plate. ये एक सिंपल ग्लास प्लेट है जो यहां पे लगाई जाएगी. अभी इसको मैं थोड़ा सा नहीं लगा रहा था, क्योंकि वर्किंग में जब इसके बारे में बताऊंगा तो तब डिस्कस करेंगे. सो अनदर, इसको सीजी कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट, सीजी बोलेंगे. इसको G1 या सिंपली ग्लास प्लेट जी बोलते हैं. ठीक है, तो कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, अभी थोड़ी देर में जब वर्किंग डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में आएगा कि कंपनसेटिंग ग्लास ग्लास प्लेट की हमें जरूरत क्यों पड़ी. तो अभी इतना समझ के चलें कि एक और ऑप्टिकल डिवाइस है, एक सिंपल प्लेन ग्लास प्लेट है जो यहाँ पे ट्रांसमिशन वाली रे के बीच में हमने रखी हुई है. ठीक है, सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर. उसके बाद क्या आता है, एडजस्टमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर. तो आइए एडजस्टमेंट को डिफरेंट पार्ट से हम इसको समझते हैं. हाँ, इसकी एडजस्टमेंट में क्या है, एडजस्टमेंट को हम वर्किंग के साथ लेके चलेंगे. मोस्टली बुक्स में कई जगह सिर्फ वर्किंग दिया होता है, एडजस्टमेंट नहीं होता. कई बार सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन है, वर्किंग नहीं होती. तो दोनों को साथ के साथ लेके चलेंगे. एडजस्टमेंट कोई अलग से पैरामीटर नहीं है. जो पीछे हमने एनालिस्ट किया था तो उसमें वर्किंग को नहीं दिखा था. सो लेट अस concentrate on working and adjustment of this Michelson interferometer. तो आइए पहले इसको देखते हैं, इसकी working कैसे होती है, काम कैसे करता है. देखिए, simple सी physics लगेगी, simple से optics के rule लगेंगे, उसी पे ध्यान देना है. Otherwise ये article इतना complicated बन जाता है कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं. तो बिल्कुल simple way में इसको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने. Light from this source will fall on this convex lens. Then After passing through this convex lens, light rays will be parallel. जैसे मैंने पहले बताया था, बाकी की रेज को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक रे को लेके चला हूँ समझाने के लिए. तो ये लाइट फिर कहाँ जाती है, ग्लास प्लेट के ऊपर. तो इस चीज को अलग से समझा रहा हूँ कि एक ग्लास प्लेट हमने ली है. ठीक है, ग्लास प्लेट के ऊपर ये लाइट आई. सो आफ्टर फॉलिंग ऑन दिस ग्लास प्लेट इट विल बैंड्स. अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा, जैसे पिछले लॉस वगैरह में देखते हैं. तो यहां से फिर एक लाइट ट्रांसमिट होके ये किस तरफ जाएगी, हमारा जो मिरर M2 होगा, M2 की तरफ चली जाएगी. ठीक है, तो M2 से टकरा के फिर ये वापिस आएगी, इस तरफ गई फिर वापिस आई. और ये जो पोर्शन है ग्लास प्लेट का, ये हमने क्या लिया है, सेमी सिल्वर्ड बोला हमने इसको.
सेमी सिल्वर्ड का मतलब क्या होगा, पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग, यानी जब ये रे आ रही है तो यहीं पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगी। क्लियर? तो एक रे को हमने देख लिया, मान लो ये रे यहां से आई, इसके अंदर गई, ट्रांसमिट हुई, इससे टकरा के वापिस आई, फिर हमने टेलीस्कोप में इसको मिल गई। अब दूसरी को देखिए, ये जो इस पॉइंट पे जो स्ट्राइक की है, देन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड द ग्लास प्लेट एंड आफ्टर दिस पॉइंट इट विल बी रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स दिस मिरर M1, तो ये M1 की तरफ भी चली जाएगी। मान लो इसको तो मैंने रे 1 बोल दिया, रे 1, इसको मैंने रे 2 बोल दिया, ठीक है, देन दिस रे 1 एंड रे 2 ये यहां से टकरा के फिर वापस आएगी और इसी रास्ते से होते हुए इसी रे के अंदर ये मिक्स होगी और यहां पे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगी टेलीस्कोप के अंदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इस तरफ ये ट्रांसमिट हुई, ऊपर गई, दोनों मिरर से टकरा के फिर वापस आई, रीयूनाइट की एंड वी गॉट द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन टेलीस्कोप। अब थोड़ा सा इसका ऑप्टिकल पाथ पे जाते हैं, दोनों रे के बीच में, रे 2 और रे 1, इन दोनों रे के बीच में ऑप्टिकल पाथ में डिफरेंस है। तो जब तक ये ऑप्टिकल पाथ में डिफरेंस है, अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेंगे। तो इस ऑप्टिकल पाथ को अगर हम समझें तो कैसे है, देखो ये रे यहां पर टकराई तो एक बार अंदर ट्रेवल हुई, वन, मैं इसको सिंपली स्मॉल आई डालता हूं, वन, जब यहां पे गई फिर वापस टकराई, इस तरफ आई, तो यानी ग्लास प्लेट के अंदर से जो रे वन है, ये वाली ग्लास प्लेट के अंदर से कितनी बार गुजरी है, कितनी बार गुजरी है, सिर्फ वन, वन टाइम, ठीक है। इसी तरह रे टू का पाथ अगर हम देखें, रे टू का पाथ देखें तो एक बार, दो बार फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई तीन बार, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना है, थ्राइस, थ्री टाइम्स, ठीक है। इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स, कि रे वन तो ऐसा है कि ग्लास प्लेट के अंदर से सिर्फ एक ही बार पास हुई है, और रे टू हमारी क्या है, ग्लास प्लेट के अंदर से तीन बार पास हुई है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से देखा, कई बुक्स में इसको क्या दिखाते हैं, यहां तक तो इनका पाथ कॉमन है जब तक कि इस पॉइंट पे नहीं स्ट्राइक करती, यहां के बाद ये रे यहां टकराई फिर वापस आई, यानी कि ग्लास प्लेट के अंदर से पास ही नहीं हुई, यहां तक तो कॉमन था ही, इसका भी कॉमन है और इसका भी कॉमन है, भाई ऊपर वाली रे और इस साइड वाली रे, ग्लास प्लेट के अंदर से जब ये पास कर रही है तो यहां तक पाथ कॉमन है, तो इसके बाद का पाथ काउंट करते हैं। तो रे वन कितनी बार, जीरो टाइम, ठीक है। रे टू, रे टू यहां स्ट्राइक करने के बाद एक बार, वापिस आते हुए दो बार, यानी कि टू टाइम्स, ठीक है। तो यहां जीरो है, ये टू है, इसका मतलब दो बार का डिफरेंस है। अगर इसको इस तरह से देखें, ये एक बार, ये तीन बार, तब भी दो बार का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ग्लास प्लेट इसके रास्ते में और लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा ग्लास प्लेट इसके रास्ते में लगाई, ताकि रे वन वाली जो रे है इसके अंदर से जाते हुए और फिर आते हुए दो बार पास करे, ठीक है। देन व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट, तो ये रे इतनी ही थिकनेस की होगी, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी, सारे उसी मेटीरियल की होगी, यानी सारे के सारे पैरामीटर ये सेटिस्फाई करेगी जो हमारी स्टार्टिंग वाली ग्लास प्लेट है, जो पहली ग्लास प्लेट है, सारे पैरामीटर इसके इसी तरह के होंगे, ठीक है। तो ये जो रे है, हमारी जो कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट है, दिस विल बी इंक्लाइंड एट सेम एंगल एंड ऑफ सेम थिकनेस, दिस विल बी ऑफ सेम एंगल एंड सेम थिकनेस, इसको मैं सीधी बोलूंगा कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट। तो रे जब इसके अंदर से जाएगी, इधर से ये ऐसे पास होके आएगी, इसी रास्ते से वापस आएगी, देन रीयूनाइट एट दिस पॉइंट। तो कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट का फंक्शन समझ आ गया, सिर्फ जो ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस था उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए एक अनोदर कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट हमें इसके रास्ते में और लगानी पड़ी। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में वहां पे ये पॉइंट छोड़ दिया था, इसलिए कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट को आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट में दिखाएं, लिखना है आपको, लिखना है वहां पे, और ये इसकी वर्किंग है।
ठीक है, तो रे इस तरफ से आ रही है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, ऊपर से आ रही है, इसके अंदर से पास करेगी, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस दे विल यूनाइट ऑन दिस टेलीस्कोप एंड प्रोवाइड अस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा और सेटिंग की क्या बात है, हमें फ्रिंजेस कब मिलेंगी, इसमें एक क्या चीज है, द डिस्टेंस बिटवीन, मान लो इसको डी लिया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंट्रल ग्लास प्लेट एंड मिरर एम टू, एंड सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन दिस ग्लास प्लेट एंड दिस मिरर एम वन, या ये कहें ये तो हमारा एम वन है, ये ग्लास प्लेट है, यहां पे ये है, तो ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये भी डी है तो ये भी डी है, देन दिस डिस्टेंस शुड बी सेम। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, सो डी शुड बी सेम, शुड बी सेम एंड एम वन एंड एम टू शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये चीजें होनी चाहिए तब हमें अच्छी फ्रिंज मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद की बात आती है कि हाँ फ्रिंज कब लेते हैं, फिर जो हमारा पाथ डिफरेंस रहता था वो पाथ डिफरेंस कब आएगा, तो जब टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस वाले पोर्शन हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे फ्रिंज डिस्कस करते हुए इस वर्किंग को समझेंगे कि ये सर्कुलर फ्रिंज कैसे आई और फिर हमारी लोकलाइज्ड फ्रिंज कैसे आई, दो तरह की इसमें फ्रिंजेस होंगी जिनको हम उस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा एक बार इसकी सेटिंग पे और आ जाइए या एडजस्टमेंट पे, ये एडजस्टमेंट वाला पोर्शन अगर हम देखें कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर का आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो ऑप्टिकल सोर्स की होती है, द सोर्स शुड बी एक्सटेंडेड, सोर्स शुड बी एक्सटेंडेड। ठीक है, सोर्स शुड बी एक्सटेंडेड, तो सोर्स शुड बी एक्सटेंडेड से मतलब मैं समझा चुका हूं कि जो सोर्स कहां रखना है, कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे रखना है, तो ये हमारी सबसे पहली एडजस्टमेंट है। जब ये कर लेंगे सेकंड एडजस्टमेंट में क्या आएगा, मिरर M1 एंड M2 दोनों मिरर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एंड जो डी डिस्टेंस की हम बात करते हैं डी विल बी सेम, कौन से वाला सेम, फ्रॉम दिस ग्लास प्लेट टू मिरर M2 एंड फ्रॉम दिस ग्लास प्लेट टू मिरर M1, सो दिस डी विल बी सेम, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हाँ, इसके साथ साथ ये और ध्यान देना होता है, जो प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर शुड बी सिल्वर्ड ऑन इट्स बैक सरफेस, सिल्वर्ड ऑन इट्स बैक सरफेस। एक एडजस्टमेंट और इसमें करते हैं, ये जो मिरर के ऊपर स्केल है M1 एंड M2 के ऊपर जो स्केल है वो स्केल आपका मिलीमीटर या लेस देन मिलीमीटर होना चाहिए, अगर आपका 0.1 या 0.01 मिलीमीटर का स्केल है तो और भी फाइन ट्यूनिंग आएगी, और भी अच्छा इंटरफेरोमीटर काम करेगा और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आएंगी। तो इसमें क्या होता है, एक माइक्रोमीटर स्क्रू फिक्स होता है स्केल के ऊपर जिसमें हम मिरर माउंट करते हैं, तो जब मिरर को हमने मूव करवाना है, मिरर को हमने मूव करवाना है तो मिरर किस स्केल पे मूव करेगा, मिलीमीटर स्केल के ऊपर मूव करेगा, तो दोनों मिरर को हम मिलीमीटर स्केल के ऊपर माउंट करके रखते हैं। फोर्थ वन, सेटिंग ऑफ फ्रिंज यूजिंग पिन, यूजिंग पिन करते हैं यानी कि इमेज की सेटिंग करते हैं, तो इमेज की, तो इसमें जो फोर्थ सेटिंग है वो पिन के हिसाब से करते हैं। मान लो आपने इस जगह पे एक ऑल पिन रख दी, वी पुट ए ऑल पिन और कैंडल व्हाटएवर इट इज, एक कोई ऑल पिन रख दी, कहां पे रखी है, कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, तो लाइट रेज इससे पास करेगी तो इसकी इमेज यहां पे स्ट्राइक करेगी और एक इमेज यहां पे स्ट्राइक करेगी, तब क्या होगा टेलीस्कोप में, तो हमें एक तो इमेज ऐसे दिखाई देगी अगर ये प्रॉपर सेटिंग नहीं है, तो यानी कि जो आल्पिन रखी थी उनकी दो इमेज हमें दिखाई देगी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मिलीमीटर स्केल एंड स्क्यू इसको हम मूव करवाते हुए लेके आएंगे और एक बाय डिफॉल्ट या रफ सेटिंग करके हमने क्या करना है, इन दोनों इमेज को ओवरलैप करवाना, इन दोनों इमेज को ओवरलैप करवाना, तो जब ये दोनों इमेज की ओवरलैप हो जाएंगी देन इट विल बी प्रॉपर सेटिंग ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये इसकी सेटिंग या एडजस्टमेंट के पैरामीटर हैं जिनको हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस।